अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर आपके लिए बैड न्यूज़ लेकर आया हूं और आप लोग भी सोचोगे कि जवार भाई कभी तो कोई गुड न्यूज़ भी सुना दिया करें। भाई मेरे बस में नहीं है, जो न्यूज़ होता है वैसे ही बताना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पहले किया ने, सुजुकी ने और टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था और अब की बार होंडा ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में बड़ा इजाफा कर दिया है। होंडा की तमाम गाड़ियों की मैं आपको पुरानी और न्यू प्राइसेस बताता हूँ। और आप लोगों को एक सवाल होता है कि जवार भाई हमें ये बताएं कि अगर हमने गाड़ी ऑलरेडी बुक कराई हुई और गाड़ी की प्राइस हो गया इंक्रीज़, तो क्या हमें जो है मज़ीद पेमेंट देनी होगी या क्या होगा, इस बारे में भी आपको डिटेल से बताता हूं। लेकिन यहां पर मैं छोटी सी एक बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम सिर्फ गाड़ियों से हटकर किसी भी चीज़ की प्राइस को चेक करें तो भाई वो आम आदमी की पहुंच से, बल्कि अब तो हर आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। चाहे तो वो हमारे किचन की चीज़ें हैं, इवन के कोई भी चीज़ है, गाड़ियों से हटकर हर चीज़ की जो प्राइसिस है वो आसमान से बातें कर रही है। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है पाकिस्तान में। सो इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? असल में जो है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें बस ये कहा जाता है कि यार फलां कंट्री में भी महंगाई हुई है। भाई उस कंट्री में महंगाई हुई है तो वहाँ पर मज़दूर की दिहाड़ी का पता करो कितनी है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग जो जॉब करते हैं उनकी फैसिलिटीज़ को चेक करें, उनकी हेल्थ फ्री है, उनकी तालीम फ्री है, उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर महंगाई होती है तो उनकी जो इनकम होती है उसको भी इंक्रीज़ किया जाता है। तो खुदारा हमें जो है और मुल्कों की मिसाल दिया करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम यूरोपियन नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं। आप लोग उनकी मिसालें दे दो, भाई हमारा मुल्क है, हमें यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए। आप जो है महंगाई तो कर रहे हैं लेकिन जो मजदूर है उसकी मजदूरी नहीं बढ़ रही। भारत ये मेरा असल टॉपिक तो नहीं था, लेकिन क्योंकि गाड़ियों की महंगी हुई हैं तो इस महंगाई पर थोड़ा सा बात करना मेरा राइट बनता था। और अगर मैं ऑटो मैन्युफैक्चर की बात करूँ, जो पाकिस्तान में लोकली सतह पर गाड़ियाँ बनाते हैं, सो इन्होंने एक बार नहीं बार 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 प्राइसिस को इंक्रीज़ किया और बगैर किसी रीज़न के, विदाउट रीज़न ये जो है गाड़ियों की प्राइसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हम डॉलर की बात करें तो भाई डॉलर, अगर आप कुछ मंथ चले जाएँ पीछे तो डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी हुई थी, उस टाइम तो इन्होंने गाड़ियों की प्राइसेस को डिक्रीज नहीं किया। सो अब की बार प्राइस इंक्रीज की कोई रीजन नहीं बता रहे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चर हैं, अगर हम इनके मटेरियल की बात करो, हम इसको किसी और कंट्री जैपनीज गाड़ियों के साथ अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ 3 मिलियन वाली गाड़ी और जैपनीज जो 660 cc गाड़ी होती है, उस 660 cc जो तकरीबन 1.5 यानी कि 15 लाख रुपए वाली गाड़ी होती है, उसमें हमें फीचर और सेफ्टी फीचर और बिल्ड क्वालिटी और हर चीज़ जो है लाजवाब मिल रही होती है और वो चीज़ें मिस होती हैं। हमारी 3 मिलियन यानी कि 30 लाख की मालियत वाली गाड़ी में तो कौन पूछेगा भाई, यहाँ पर जो है जगह शाही है, जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। भाई पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को ना देखा गया तो हर चीज़ की जो ये बढ़ती हुई कीमतें हैं, आम आदमी के लिए जीना तो मुश्किल हो गया है लेकिन बाद में उसको मरना ना पड़े। खुदारा इन चीज़ों को जो है आप, तो मैं आपको यहाँ पर जो है होंडा की न्यू पुरानी प्राइसेस बताता हूँ। अब बात हूँ जो आप लोगों का अक्सर मुझे कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कि जवार भाई अगर हमने ऑलरेडी किसी गाड़ी की बुकिंग कराई हुई है सो गाड़ी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, क्या हमें मज़ीद पैसे देने होंगे? तो आपके सवाल का जवाब ये है, अगर तो आपने फुल पेमेंट पर गाड़ी बुक की हुई है, मतलब कोई भी गाड़ी अगर उसकी प्राइस थी 20 लाख और आपने 20 लाख दिया हुआ है तो भाई अगर प्राइस डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो आप पर लागू नहीं होगी, मतलब कि गाड़ी की प्राइस बढ़ गई है तो कंपनी आपसे किसी किस्म का कोई जो है मजीद अमाउंट नहीं लेगी, अगर कम हो गया तो आपको रिटर्न नहीं करेगी। हाँ अगर आपने जो है हाफ पेमेंट पर या हाफ से कम, जैसे कि होंडा सिटी है वो 11 लाख रुपए में जो है उसकी बुकिंग हो गई थी, इस सूरत में ये होता है कि फिर अगर गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आपसे मजीद जो है वो अमाउंट ले लेते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब था। अब मैं आपको होंडा की लेटेस्ट प्राइसिस बताता हूँ, जो कि इस टाइम जो है होंडा ने बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है, होंडा सिविक में, होंडा सिटी में, उसके बाद जो है BRV में, जितने भी वेरियंट की कीमतों में इजाफा कर दिया। लेकिन यहां पर मैं आपको इतला देता हूं कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com और हमारी वेबसाइट पर लगा दें अपनी गाड़ी का एड, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का एड लाखों जेन्युइन कस्टमर को दिखाया जाएगा, आपकी गाड़ी मिनटों में सेल होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं होंडा की लेटेस्ट प्राइस। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ होंडा सिटी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन की। इसकी ओल्ड प्राइस थी 25,99,000, न्यू प्राइस है 27,29,000, 1,30,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद मैं बात करूँगा होंडा सिटी 1.2
अपना ऑटोमेटिक, इसकी प्राइस थी 27,99,000, अब आपको मिलेगी न्यू प्राइस जो इसकी है 29,49,000, 1,50,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होंडा सिटी 1.5 ऑटोमेटिक, इसकी ओल्ड प्राइस थी 28,99,000, अब ये आपको मिलेगी 30,69,000 की, इसकी कीमत में 1,70,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे होंडा सिटी एस्पायर मैनुअल ट्रांसमिशन 30,19,000 की एनवाइस में आपको मिलती थी जो इसकी ओल्ड प्राइस थी, अब आपको 31,99,000 की मिलेगी, 1,80,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होंडा सिटी 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक, जो इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 31,74,000 इसकी एनवाइस थी, अब आपको 33,69,000 की मिलेगी, तकरीबन 1,95,000 इसकी प्राइस को इनक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होंडा बीआरवी की, होंडा बीआरवी आपको 33,74,000 की मिलती थी, अब आपको 35,99,000 की मिलेगी, 2,25,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिविक के जो तमाम वेरिएंट हैं उनकी प्राइस को देख लेते हैं। सिविक 1.8 VTI ऑटोमेटिक आपको 36,14,000 की मिलती थी, अब आपको 39,79,000 की मिलेगी, 3,65,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होंडा सिविक 1.8 CVT SR ओरियल की, ये आपको 38,64,000 की मिलती थी, अब आपको 42,59,000 की मिलेगी, 3,95,000 इसकी प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद हम होंडा सिविक 1.5 टर्बो RS की बात करें तो ये आपको 45,64,000 की मिलती थी, अब आपको 50,49,000 की मिलेगी, 4,85,000 इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। याद रहे कि जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं ये फैक्ट्री प्राइस हैं, इसमें फेलर नॉन फेलर टैक्स और फैक्ट्री टू डीलर जो एक किराया होता है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो वो भी इसके अंदर ऐड नहीं है, जब वो इसके अंदर ऐड होंगे तो ये प्राइस मज़ीद जो है इसकी मतलब कि इस प्राइस से आपको जो प्राइस होगी अगर आप डीलरशिप पर जाएंगे तो वो आपको जो है टैक्सेस के साथ बताएंगे, फिर ऐसा ना हो कि आप वहाँ से कहो कि जवार भाई तो ये प्राइस बता रहे थे, आप ये प्राइस बता रहे हो तो ये कन्फर्म हो गया कि इसमें टैक्सेस शामिल नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, प्राइस तो आपको पसंद नहीं आई होगी, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देनी चाहिए तो आपको लाइक और मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, वीडियो को शेयर भी कर देना। आप अपने होस्ट जवार अमान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जहाँ कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का ऐड लगा सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिए zawarcars.com।